नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के जो तारीख के बारे में बहुत ही ज़्यादा अफवाहें फैल रही थी, या यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे विद्यार्थी जो थे चिंतित थे इसके विषय में, और बार बार ये हो रहा था कि कैंसिल हो जाएगी डेट या हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, और कुछ लोग कह रहे थे कि स्थिर रहे। तो आज न्यूज़ में निकला है कि यहाँ पे आया है और ये बताया गया है कि जो परीक्षा की तारीख है उसमें बदलाव का जो आसार है वे ना के बराबर ही है। तो मतलब कि जैसे कि पहले की डेट डिसाइड हो चुकी थी कि 29 जुलाई को ही परीक्षा कराई जाएगी, तो अभी भी वही है कि 29 जुलाई को ही परीक्षा होगी, अभी तक ऐसा ही मानना है। तो सभी लोग जो लोग भी ये विचार करके बैठे हुए थे कि परीक्षा आगे होगी या टल सकती है, तो वो अपना विचार त्याग दें, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि परीक्षा 29 जुलाई को ही होगी। तो आप सभी तैयारी करें, इसके लिए आदेश आया था। आप अगर देखें यहाँ पे कि 29 जुलाई को ही कराया जाएगा, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 29 जुलाई को ही कराया गया है। और कौन कराएगा, ये UPSC जो है वे कराती है ना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है इसकी क्या कराएगी, परीक्षा कराएगी। तो ये 29 जुलाई को ही कराएगी, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिए और आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। तो और अगर किसी भी प्रकार का अगर अपडेट होगा इससे संबंधित तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अभी का अपडेट केवल यही है कि परीक्षा 29 जुलाई को ही होगी। और इसमें कौन कौन सी समस्याएं आ रही थी उसके बारे में थोड़ा अगर बात करें, तो समस्याएं जो थी वे जीव विज्ञान और संगीत के विषयों की थी, क्योंकि माध्यमिक में यह विषय समाप्त कर दिए गए हैं और ये कहा गया कि अगर ये परीक्षा अगर पास भी कर लेते हैं तो इन अध्यापकों की नियुक्ति कहाँ की जाएगी, इसके संदर्भ में यहाँ पे विवाद चल रहा था। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि डेट बढ़ेगी, लेकिन अभी भी अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि डेट बढ़े। तो आप सभी तैयारी करना शुरू करें और किसी प्रकार की भी अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, और अगर इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।